नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले 2020 महिंद्रा स्कॉर्पियो फैसलिफ्ट के बारे में है। महिंद्रा 2020 के अंदर अपनी स्कॉर्पियो के अंदर कुछ कॉस्मेटिक और अपडेट के साथ इसको फैसलिफ्ट इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है और इसके साथ ही इसके न्यू जनरेशन पर भी काम कर रहा है, जिसे 2021 तक इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। यानी कि 2021 के अंदर न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो लॉन्च करने से पहले महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो का फैसलिफ्ट लॉन्च करने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। सबसे पहले बात करें नई महिंद्रा स्कॉर्पियो फैसलिफ्ट के एक्सटीरियर के बारे में, तो इसके एक्सटीरियर अंदर आपको बिल्कुल नए डिज़ाइन की फ्रंट ग्रिल के साथ इसके अंदर आपको बिल्कुल LED हेडलैम्प दिए जाएंगे, जो कि बिल्कुल नए डिज़ाइन के होंगे। इसके साथ ही इसके नई फॉग लैम्प हाउसिंग और इसी के साथ इसके अंदर आपको बिल्कुल नए डिज़ाइन के डायमंड कट अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाएंगे। इसके अलावा बात करें इसके रियर साइड की, तो इसके रियर साइड के अंदर भी आपको बिल्कुल नए डिज़ाइन के LED टेल लैम्प दिए जा सकते हैं और इसके साथ इसके अंदर आपको डुअल एग्जॉस्ट पाइप दिए जाएंगे। नई जो महिंद्रा स्कॉर्पियो फैसलिफ्ट आने वाली है वो पूरे पहले वाली स्कॉर्पियो से ज़्यादा स्पोर्टी और ज़्यादा एग्रेसिव रहने वाली है। इसके अलावा बात करें इसके लॉन्चिंग की, तो इसे अगस्त 2020 तक इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा और इसके अंदर आपको VS6 का 2 लीटर का डीजल इंजन दिया जाएगा। अब बात करें इसके प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस रहेगी वो 10.5 लाख रुपये से स्टार्ट होकर इसके टॉप मॉडल की प्राइस 18 लाख रुपये तक जाएगी। इसके अंदर आपको फ्रंट व्हील ड्राइव और ओवर व्हील ड्राइव के साथ साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर के साथ इसी ये गाड़ी आपको 4 वेरिएंट के अंदर ऑफर की जाएगी। अब बात करें इसके फैसलिफ्ट स्कॉर्पियो के इंटीरियर की, तो इसके इंटीरियर के अंदर आपको कोई ज़्यादा बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसके साथ इसके अंदर आपको डुअल एयरबैग, ABS विथ EBD, स्पीड LRM, सीट बेल्ट रिमाइंडर और रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स इसके अंदर स्टैंडर्ड देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसके अंदर आपको पुश स्टार्ट स्टॉप, 8 इंच का टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, रियर एसी वेंट्स और कीलेस एंट्री, एंटी थीप अलार्म, इलेक्ट्रिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, ओल्ड डिस्क ब्रेक, रिवर्स पार्किंग कैमरा और 6 एयरबैग के साथ ये गाड़ी आपको ऑफर की जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर आपको सनरूफ इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा, जो कि इसके अंदर सबसे बड़ी कमी लग रही है। और इस प्राइस के अंदर जो भी SUVs आ रही है या इसके कम प्राइस के अंदर जो भी SUVs आ रही है उसके अंदर भी आपको सनरूफ देखने को मिल रहा है। अब बात करें इसके इंजन की, तो इसके अंदर आपको ये गाड़ी केवल आपको डीजल इंजन के साथ ही ऑफर की जा रही है। तो इसके अंदर आपको 2 लीटर का MHOG डीजल इंजन दिया जाएगा। ये इंजन आपको मैक्सिमम 13 किलोवाट की पावर और 320 Nm का टॉर्क जनरेट किया जाएगा। इसके साथ इसके अंदर आपको 13.3 किलोमीटर/लीटर का माइलेज क्लेम किया जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।